उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर ग्राम प्रधान का शव झोपड़ी में जला हुआ मिला है। जी हम आपको बता दें, परिजनों ने झोपड़ी सहित सबको आग लगाए जाने की आशंका जताई है। कल शाम से शराब पीकर घर से निकला था ग्राम प्रधान। इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर एतमादपुर ग्राम पंचायत रसूलपुर का है ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि। एतमादपुर धारजत के ग्राम रसूलपुर की यह घटना, खबर एक्सपर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान का शव झोपड़ी में जला हुआ मिला है। परिजनों ने झोपड़ी से सबको आग लगाए जाने की आशंका जताई है। कल शाम से शराब पीकर घर से निकला था ग्राम प्रधान। एतमादपुर के ग्राम पंचायत रसूलपुर का है ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि। वही एतमादपुर पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर जी हम आपको बता दें, परिजनों ने झोपड़ी से सबको आग लगाए जाने की आशंका जताई है। कल शाम से शराब पीकर घर से निकला था ग्राम प्रधान। इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर एतमादपुर ग्राम पंचायत रसूलपुर का है ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि। एतमादपुर धारजत के ग्राम रसूलपुर की यह घटना, खबर एक्सपर्ट पर सबकी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान का शव झोपड़ी में जला हुआ मिला है। जी हम आपको बता दें, परिजनों ने झोपड़ी सहित सबको आग लगाए जाने की आशंका जताई है। कल शाम से शराब पीकर घर से निकला था ग्राम प्रधान। इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर एतमादपुर ग्राम पंचायत रसूलपुर का है ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि। परिजनों ने झोपड़ी से सबको आग लगाए जाने की आशंका जताई है। कल शाम से शराब पीकर घर से निकला था ग्राम प्रधान। एतमादपुर के ग्राम पंचायत रसूलपुर का है ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि। वही एतमादपुर पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर, खबर एक्सपर्ट पर उनके ग्राम स्टाफ उनके साथ चले गए थे, फिर नहीं आए। और कौन कौन था उनके लड़के भी थे, शाम के टाइम में थे उनके लड़के, तो दोपहर में थे उनके लड़के, तो चले गए थे। शराब कब पी थी? सुबह भी पी थी, सुबह उठने के पैसे लेके गए थे घर से, दारू पी के आए थे। फिर शाम को किसके साथ गए थे फिर लास्ट में? वो रामेश ताऊ के साथ। कितने बजे करेंगे शाम को? वही 4-5। रामेश ताऊ यहीं करने वाले थे? अच्छा, फिर कहाँ गए थे आपके पास? अलग मुझे नहीं पता। तो आपने रात में ढूंढे नहीं फिर? रात नहीं, मैं तो पता था वो आते हैं, आ जाते थे बाद में। अभी क्या हुआ है, कैसे हालत में मिले हैं, क्या मिला है? झले हुए हैं आप। आगरा के थाना क्षेत्र एतमादपुर के गांव रसूलपुर में ग्राम प्रधान का शव एक झोंपड़ी में जलता हुआ मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सुबह सूचना मिली थी कि एक झोंपड़ी में एक शव मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इसमें शनाख्त हुई कि यह जो इस झोंपड़ी के अंदर जला हुआ शव जो मिला है वो इसी गाँव के ग्राम प्रधान हरिकृष्ण वाल्मीकि का है। हालांकि यहाँ मौके पर पहुँच कर पुलिसकर्मियों ने और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, CEO एतमादपुर और इंस्पेक्टर एतमादपुर के साथ पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और घटना की जाँच की जा रही है। तो यहीं बताया जा रहा है कि जिसका यह झोंपड़ी है वो रशीद खां की थी और ग्राम प्रधान इसी गांव के निवासी हैं, जिनका घर पीछे यहां से कई काफ़ी दूर है। लेकिन किस परिस्थितियों में वो यहां पहुंचे और किस तरह से उनकी मौत हुई, यह अभी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ग्राम प्रधान की जलकर मौत हो चुकी है और उनका जला हुआ शव इस झोंपड़ी के अंदर मिला है। कैमरा पर्सन दीपक बघेल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट। एतमादपुर थाना क्षेत्र में गाँव रसूलपुर के प्रधान का शव आज गाँव के बाहर एक झोपड़ी है मिला है। झोपड़ी में आग लग गई थी, प्रधान का जो है जलने से मृत्यु हुई है। आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है, ऐसा बता सकता है। सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी, जो भी निकल कर आएगा उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी।